आप सभी का स्वागत है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से, इस परियोजना के माध्यम से हम जो अभी जो पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो 12th क्लास के जो बोर्ड के पेपर दिए हैं बच्चों ने, अब उनकी तैयारी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है CUET का, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में जो आए थे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अब जो एडमिशन है दिल्ली विश्वविद्यालय में या और भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, उसमें जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो आपके 12वीं के मार्क्स पर निर्भर नहीं है। आपका एक पेपर होगा, डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसके अंदर फिर आपका कंप्राइज होगा उन सभी सब्जेक्टों का, फिर उसके बाद आपका मार्क्स बनेगा, उसके बाद आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो CUET पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखिए अभी एज ऑफ नाउ जो पॉलिटिकल साइंस आप सब जो पढ़ेंगे एंट्रेंस बेसिस एंट्रेंस के लिए, और जो आपका आपने जो 12th में पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अभी जो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा CUET के जो एग्जाम के अंदर, सबसे पहले तो पूछेगा फैक्ट बेसिस वर्सेस एनालिटिकल। तो एनालिटिकल का जो पार्ट है, जो रेशियो बनेगा, वो आपका बनेगा 60% आपका फैक्ट बेसिस रहेगा, 40% आपका एनालिटिकल होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड या थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो फैक्ट बेसिस का मतलब क्या होता है? फैक्ट बेसिस का मतलब यह है कि आपसे कुछ फैक्ट्स, जर्नलाइज फैक्ट पूछेगा, जर्नलाइज जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनालिटिकल क्या है? जो आपने फैक्ट पढ़े हैं, जो एनालिटिकल का क्या मतलब हुआ कि जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं उसको कैसे आप एनालाइज करके कैसे एक आंसर एलिमिनेट कर पाते हैं, कैसे आप आंसर निकाल पाते हैं कि हाँ ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, ये एनालिटिकल वाला पार्ट है, ठीक है। और ये एनालिटिकल वाला पार्ट आपके फैक्ट बेसिस पे ही, प्लस आपका ब्रेन, देखिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए यानी नॉलेज, उसके पास आपका जो फैकल्टी है, जो माइंड है, उसको आप किस तरीके से एनालाइज करें इन फैक्ट्स के माध्यम से, क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर निर्धारित करता है। तो ये रेशियो बनेगा आपका 60 और 40 का, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो ये जो मेरा इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं, प्लस आपको एक एनालिटिकल प्लस फैक्ट बेसिस दोनों को साथ लेते हुए चलते हुए कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि देखिए नो डाउट हर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है अपने अपने लेवल पे, एज ऑफ नाउ अब टाइम कम है, आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क का जरूरत है, आप दोबारा से बुक्स को रीड नहीं कर पाएंगे। अब जितना हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और उस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। कि देखिए सोशल साइंस में क्या होता है कि कई बार जो होता है, जो टॉपिक होता है वो सेम होता है, मगर क्वेश्चन पूछने का, जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदल जाता है। अगर आप वो कंसेप्ट को ग्रैप्स कर पाते हैं, आप उस कंसेप्ट को समझ पाते हैं, उस अवधारणा को समझ पाते हैं, तो आपसे किसी भी तरीके से एग्जामिनर कैसा भी उल्टा सीधा किसी भी तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा तो आप आंसर दे पाएंगे। तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से इसी पर फोकस ज़्यादा करा जाएगा और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कि आपको क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं SOL के अंदर पढ़ाता हूँ, BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और हमने देखा है कि कैसे ये जो पेपर है, जो CUET का पेपर है, वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एनालाइज होगा, किस तरीके से बच्चे को फैकल्टी को कैसे ये जज करते हैं। कि नो डाउट आपसे बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नहीं, मगर आपका ये एनालिटिकल पार्ट देखेंगे, आपका फैक्ट बेसिस देखेंगे कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, और कुछ फैक्ट्स के माध्यम से वो एनालिसिस भी आना चाहिए उस विद्यार्थी को जो इस
सब्जेक्ट को पढ़ा है या फिर जो इस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहता है। तो आप सब बने रहिए, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था उसको हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि देखिए प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था कि IMF का सिंपल सा एक फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक है, तो IMF का जो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आंसर इसका एकदम करेक्ट है। अब देखिए इस अब ये क्वेश्चन आया तो ये एक कंसेप्ट को डील करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है, तो उसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये कब आया, 1945 में आया। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, जितना भी मॉनेटरी है सिस्टम है उसमें कॉपरेशन इस्टेब्लिश करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ावा देना। ठीक है, दुनिया भर में गरीबी को कम करना, देखिए पॉवर्टी एलिवेशन भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद ये और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म पिछली बार पूछ लिया, ये पूछ ले कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। तो किससे रिलेटेड है, यूएन से रिलेटेड है, ये सब याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, यूएन से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC जो, ठीक है, और इसमें कितने देश शामिल है, 190। तो ये सब चीजें हमें समझना है, ये एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आया था, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो किस किसके ऊपर रिलेटेड था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, और डेफिनेटली 100% चांस है कि एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जरूर आए। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास का जो आइडिया है ना उसको समझना यहाँ पे जरूरी है। देखिए क्या है, सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है, ठीक है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आह्वान करती है। तो यहाँ पे जो सोशल है, इकोनॉमिकल है एंड डेवलप इन्वायरमेंट है, इन तीनों का मिक्स होकर एक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। तो इसका मोटा मोटी क्या है कि देखिए जो हमारी अभी जो वर्तमान जो पीढ़ी है, जो संसाधन वह है अपने विकास के लिए उपयोग कर रही है, तो आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उनको भी वही संसाधन उपलब्ध हो, वो किसी भी प्रकार से वंचित ना रहें इन जो ये प्राकृतिक संसाधन है। और ये इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि ये जो संसाधन जो इस पीढ़ी को मिले हैं ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध कराए। मोटा मोटी ये इसकी अवधारणा है, यही इसका कंसेप्ट है। अब देखिए इसके फैक्ट बेसिस पे जाएं, ये एनालिटिकल था, फैक्ट बेसिस में कब आया था जी, सबसे पहले कहाँ पे इनिशिएट हुआ था, ये 1992 अर्थ समिट में इंट्रोड्यूस हुआ था, रियो डी जेनेरियो। आप सबने पढ़ा होगा अर्थ समिट के बारे में, कहाँ हुआ था अर्थ समिट, 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, 2015 से 2030 के लिए अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये, कई बार पूछा ही जाता है, रेचल कार्सन का जो बुक है, क्योंकि ये बहुत पहले की बुक है जो एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट की वॉइस को रेज करती है कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करा जाए या उसका संरक्षण करा जाए। साइलेंट स्प्रिंग इसका नाम है, 1962 में पूछा जाता है, इस पुस्तक को लिखा गया था, और इस पुस्तक को बाय हार्ट आप सभी याद रखिएगा, ये अभी नहीं MA में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद थोड़ा फैक्ट
फैक्चुअल नॉलेज लेने के बाद आप सब थोड़ा इस ये गोल्स को देख सकते हैं, ये जो सबसे सबसे सस्टेनेबल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, सबसे पहला क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, पॉवर्टी गरीबी नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, ये 17 हैं, याद रखिएगा ये एक फैक्चुअल नॉलेज क्या है, 17 ये गोल हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कितने हैं गोल हैं, 17 गोल हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो गोल है क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये जितने भी गोल्स हैं उन सब के लिए एक पार्टनरशिप होना जरूरी है। तो ये आप सब एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, पर याद रखिएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, और ये हो सकता है कि दोबारा रिपीट हुआ दूसरे फॉर्म में, पूछा है कि द टर्म सर्वोदय वॉज फर्स्ट कॉइन बाय, देखिए जो ये जो टर्म है सबसे पहले ये गांधी के द्वारा लिया गया था, मगर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाता है। सबसे पहले आप सबको ये जो सर्वोदय का जो विचार है वो आपको पता होना चाहिए, आप सब में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सर्वोदय विद्यालय से आते होंगे, तो सर्वोदय विद्यालय का मतलब, जो सर्वोदय का जो मीनिंग है वो ये होता है कि सभी का उदय हो, सभी व्यक्ति का, कि कोई एक लाइन है ना, लाइन लगी हुई है किसी चीज की, तो पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है किसी लाइन में, किसी छोर पर, उस अंतिम व्यक्ति तक उसका कल उस अंतिम व्यक्ति तक कल्याण, जो से वेलफेयर वो पहुंचे, ठीक है। तो ये सर्वोदय का मीनिंग है, और ये गांधी जी ने कहाँ से ये कंसेप्ट लिया था, एक 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 थिंकर हुए हैं, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, इसको भी लिख लीजिएगा, जॉन रस्किन, ठीक है। उनकी एक बुक है अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, ठीक है। इस बुक का इन्होंने ट्रांसलेशन करा है, ये जो जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू द लास्ट, उसका ट्रांसलेशन करा है, और उसको हिंदी में उन्होंने सर्वोदय नाम दिया है। और अनटू द लास्ट और सर्वोदय का क्या मीनिंग है, कि कोई एक पंक्ति है या फिर किसी का कल्याण करना है, या राज्य को किसी चीज, किसी का भी कल्याण करना है, तो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक उसका कल्याण हो, मतलब कोई भी व्यक्ति अछूता ना रह जाए, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है, जैसे पिछली बार सर्वोदय पूछा है, तो हो सकता है कि स्वदेशी का विचार पूछ ले, कि गांधी जी ने स्वदेशी के विचार को भी प्रमोट करा था, स्वराज का एक कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है। स्वराज वैसे तो ये उपनिषद में भी यूज है, और भी पॉलिटिकल थिंकर्स ने भी यूज करा इस टर्म को, मगर ये स्वराज को गांधी जी ने भी अपने विचारों में प्रमुखता दी है, स्वराज, स्वदेशी, सर्वोदय। और एक चीज और कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कि देखिए सर्वोदय जयप्रकाश नारायण ने भी यूज करा है, सर्वोदय जयप्रकाश नारायण, ठीक है, आप सबने 12th क्लास में जेपी मूवमेंट्स पढ़ा होगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने भी सर्वोदय शब्द का प्रयोग करा है, ठीक है। और ये जितना भी है, ये जो डिस्कशन हुआ है, इन सबको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे कौन सी बुक में से लिया है ये सर्वोदय का विचार, तो आप बता सकते हैं कि जॉन रस्किन। देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए गांधी के विचार और गांधी के चिंतन की कितनी महत्वता है, तो आप सब इस बार भी गांधी के जितने भी कंसेप्ट हैं एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो तो मैं आपको रिवाइज करवा ही दूंगा। अब देखिए पिछले बार में ही एक क्वेश्चन फिर दोबारा गांधी से आ गया, कि ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये किसके द्वारा फॉर्म करा गया था, डेफिनेटली ये गांधी जी के द्वारा ही फॉर्म करा गया है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखिए पूछ हो सकता है कि इस बार सन पूछ ले, कि भाई किस सन में ये फॉर्म हुआ था, 1934 में इन्होंने, गांधी जी ने स्टेब्लिश करा था, ठीक है। एक पॉइंट और, ये कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था, ये वर्धा में स्टेब्लिश हुआ था, वर्धा में, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आया था, वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन से एक कंसेप्ट आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन मेजरली जो फोकस था उनका, एक तो पंजाब था और एक हरियाणा था, ठीक है। और देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर माना जाता है, जिसको कंसीडर करा जाता है, वो एम एस स्वामीनाथन, और ये किससे इंस्पायर्ड थे, नॉर्मन बोरलॉग से इंस्पायर्ड थे, उनके प्रोग्राम से इंस्पायर्ड थे। तो
तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग का जो इनिशिएटिव था उनसे इंस्पायर थे। देखिए 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी ली थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके एस्पेक्ट्स देखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो आयाम थे क्या था कि जो हाई हाई येल्ड वैरायटी जो जो वो था फसल, हाई येल्ड वैरायटीज ऑफ फसल देना है, ठीक है। जो कृषि का जो क्या है उसको मशीनी, कृषि का जो मशीनीकरण करना है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइजेस और इरिगेशन, ठीक है। ये सब इसके एस्पेक्ट्स थे। तो ये अभी ये 4 और 5 क्वेश्चन हमने कोशिश करा कि आपको ये CUET में बहुत हेल्प करेगा। और ये 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का मतलब नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे, एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो संभावनाओं को भी हमने कवर करने का प्रयास करा। आई होप यू यू विल लाइक द इनिशिएटिव विच आई लॉन्च्ड, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।